हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग है नाश्ता करने के लिए, जो कि आपको मैंने कल बताया था रात को कि हम लोग जहाँ से फूड लेने के लिए आए थे वहीं पे आए। हम लोग को उसको फूड थोड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे, तो अभी हम लोग बस सुबह नाश्ता करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हम लोग का ऑलमोस्ट सबका नाश्ता हो चुका है, सबका नाश्ता हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि हम लोग आपको कल नाम बताने वाला था, उसका नाम है, देखो ये मेरे पीछे है, ठीक है, वर्धा इंटरनेशनल होटल करके है, ये होटल वर्धा इंटरनेशनल, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग ये लिया अपना, क्या बोलते हैं, डोसा वगैरह, इडली वगैरह, पूरी सब्जी वगैरह सब मिल रहा था। थोड़ा ऑयली था पर कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते हैं। हम लोग टिश्यू पेपर लेके उसको ऑयल निकाल दिए थे, वो पता लगे। और आज हम लोग दो जगह पे जाने का कवर करने का सोचा है, मेनली दो चीज़ है। अगर फिर भी टाइम बचेगा तो हम शायद से कोई और एक बीच जाने का सोच रहे हैं, बीच डिसाइड नहीं हुआ है, पर जो दो जगह है, पहले जगह तो याना केव जाने वाले, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर से स्कूटी से ही जा रहे हैं हम लोग। और उसके बाद याना केव से बाद हम लोग रिटर्न आते आते मिर्जन फोर्ड करके एक है जगह, यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिख रहा था तो सोचा चलो एक बार विजिट करके ले आते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे जाने वाले दो जगह, और उसके बाद टाइम मिला, जैसे अभी आपको मैंने बताया टाइम मिला, तो हम लोग कोई भी एक बीच जाने वाले, हो सकता है पैराडाइज बीच या निर्वाणा बीच जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जो ग्लो होता है वो देखने का मन है, सबका मन है। अभी पता नहीं है कि वो हम लोग देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने पूछा लोकल में तो कई लोग बोलते हैं कि रात को बादल नहीं होते तब दिखता है, कई लोग बोलते हैं कि ये मूनलाइट में दिखता है, हमें पता नहीं है। तो हो सकता है हम डिस्कवर करने जाएँ वो चीज़ भी रात को, अगर सबके पास कैपेसिटी रहा तो। बस अभी हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर में और बताते हैं कि याना केव्स कैसा है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ोटोज़ देख के तो बहुत सुंदर लग रहा था सबको, तो मस्त रेडी होके आ गए हम लोग, नाश्ता पानी हो गया है, तो अभी बस निकलते हैं दो मिनट में, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद डायरेक्ट याना केव्स का। तब तक ले बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं याना के, हम लोग को यहाँ पे पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं, पार्किंग से थोड़ा अंदर जाने का है, ठीक है। तो करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बोल रहे हैं ये लोग रहेगा अंदर, तो बस अभी हम लोग चल के जा रहे हैं अंदर धीरे धीरे करके, फिर देखते हैं अंदर क्या क्या है और बाकी सब आपको बताते हैं। यहाँ पर थोड़ा वॉशरूम वगैरह का है स्टार्टिंग में, और यहाँ पर थोड़ा पैर वैर धोने का भी है, तो थोड़ा अच्छा है। और हमने थोड़ा नाश्ता पानी लिया है, तो अंदर जाने के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अंदर डायरेक्ट, क्या क्या चीज़ें हैं वो बताते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये ट्रैकिंग कर रहे हैं अभी, कैलोरीज बर्न होती फील हो रही है। हाँ एकदम मूड बदल गया। फ्रेंड्स पहुंच गए काफ़ी हद तक नज़दीक, ऐसा लग रहा है हमें पायल की हालत हो गई खराब है ना। नहीं नहीं उतनी भी ख़राब नहीं हुई है, मेरा एक फ्रेंड को डरा दिया था मेरे को कि बहुत ऊपर है बहुत ऊपर है बहुत ऊपर है, आधा आधा तो यही सोच सोच के दिमाग खराब हो गया कि बहुत ऊपर है।
पता है मैं ट्रैकिंग कर सकती हूँ इतना, तो आप लोग भी कर पाओगे अगर यही वाला हुआ तो। इसके और आगे हुआ तो पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत सही है। यहाँ पे क्या मस्त मस्त तगड़े वाटरफॉल चल रहे हैं, देखो पीछे, समझ जाओ आप लोग। बस अभी चलते हैं, काफ़ी ख़तरनाक ट्रैकिंग करके आए हम लोग। करीबन दो किलोमीटर तो होगा ही मेरे ख्याल से, तो क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा है, दो से तीन घंटे। फ्रेंड बोल रहा था कि ऊपर से नीचे आ जाओगे, तो मेरे ख्याल से हाफ एन आवर का होगा ट्रैकिंग, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। इजी चीज करो ना, इसको ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। यहाँ पे ऐसा रास्ता है, साइड में ये भी है, पर ये रास्ता ज़्यादा प्रिफरेबल है इसके लिए, है ना? आराम से थोड़ा, हाँ ये स्लिप हो रहा, स्लिप हो रहा। हाँ चढ़ गए। ओ ये खत्म नहीं है, झूठ बोला क्या मेरे से? ये मेरे को बोला यही तक है, खत्म हो, खत्म इतना ही है। झूठ बोला गया मेरे को। पीछे कितना दूर आ रहा है, बैक कैमरा। अभी इतना दूर और है, ये लड़के ने मेरे से झूठ बोला, दिलासा दिया, झूठा दिलासा। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, काफी नजदीक है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है याना केव्स। फाइनली पहुंच गए, बैंड बज गई। मेरे को आपको अच्छे से दिखाता हूँ बैक कैमरा से। लग रहा है पहुंच के अभी फाइनली। अभी भी मैं यही बोलूंगी कि जितना सौरभ डराया था उतना हार्ड भी नहीं है। वो तो बोला था चप्पल खोलना पड़ेगा, पॉइंटेड पत्थर है वगैरह वगैरह, वैसा कुछ हार्ड लगा नहीं मेरे को, खाली थकने वाला चीज़ था। और ऑब्वियस है कोई पहाड़ 2 किलोमीटर हम लोग जैसे चढ़ेगा तो थकेगा ही, हम लोग जैसा एज इन जो प्लेन वाले हैं। बाकी बस और कुछ ऐसा हार्ड नहीं था, बस थकने वाला पार्ट था। बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं केव्स के अंदर। अभी यहाँ पे केव्स के अंदर आने के लिए पहले तो एक मंदिर है यहाँ पे, कौन से भगवान का समझ नहीं आया क्योंकि लोकल लैंग्वेज है, कुछ तो है लोकल लैंग्वेज में लिखा था तो समझ नहीं आया। बता दो ना तेरे को, पर कोई नहीं, वो सुप्रीत से बता के पूछ के बताएंगे हम लोग, क्योंकि सुप्रीत बहुत आगे आगे चला गया था। हम लोग आराम आराम से चल रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग है, तो अंदर चप्पल वप्पल निकाल के पैर वैर धो के अंदर आना है मंदिर के अंदर से। ऐसे ये पूरा मंदिर के अंदर से ऐसे आ रहे हैं, तो अभी हम लोग जाएंगे ऐसे पूरा केव्स के अंदर, देखते हैं अंदर कितना है और क्या क्या है। वैसे समझ तो आ नहीं रहा है, चल रहे थे, आवाज आ रही है किसी की, लोग चिल्ला रहे हैं अंदर। अरे कुछ हुआ तो नहीं? स्लिप स्लिप वैसे कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। व्यू स्लीपर ही है, आराम से चलो। हाँ नंगे पैर चल रहे हम लोग धीरे धीरे।
देखा ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, वो भी बेयर फुट। देखो कम से कम अच्छा है भाई, वो बहुत स्लिपर है। उसके ऊपर चल। नहीं ठीक है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। फाइनल एडवेंचर करते करते आ रही है। मेरा लहनी बोली थी तो देखो यार कितना साफ पानी है। ऊपर से नहीं, चल चल चल, हाँ तो चढ़ जा, चढ़ जा, चढ़ 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 चढ़। लाइट पे चले क्या एक बार, चले क्या, कुछ नहीं है अंदर बच्चा। कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। कैसा लगा सुमन? अच्छा ये सुमन था, आराम से आराम से।